रैप रैप कौन सा स्टैंडर्ड को बिलोंग करता है एस से तीन सो पंद्रह ठीक है Now, ने रैप परफॉर्म किया रैप का मतलब एविडेंस ढूंढना नहीं है रैप का मतलब क्या है रोमम असेसमेंट रैप का मतलब क्या है रोमम असेस करना कि बैलेंस शीट पीएल के कौन से आइटम में मैंने कुछ आइटम्स हैं बोर्ड पे तुम देख सकते हो एलिमेंट्स ऑफ एफएस एस परचेस सेल्स स्टॉक एटसेट्रा ये सब बैलेंस शीट पीएल का आइटम्स है इनमें रोमम कितना है हाई है लो है या मॉडरेट है रोमम का तीन ही जवाब हो सकता है क्या क्या हाई लो मॉडरेट रोमम का तीन ही जवाब हो सकता है हाई लो या मॉडरेट तो रैप के दौरान एग्जैक्टली exactly क्या प्रोसीजर परफॉर्म करता है रैप का फुल फॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आई वॉन्ट टू नो वॉट प्रोसीजर आई वॉन्ट टू नो वॉट प्रोसीजर इफॉर्म दीजॉर्मिटर ऑडिटर सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर तो ये है लेकिन यह प्रोसीजर फील्ड वर्क में जाने के पहले नहीं हो सकता ये जाने के बाद ही होगा ना आप क्लाइंट के फील्ड वर्क पे गए भी नहीं उसके पहले आप कैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल करने के लिए तो फील्ड में घुसना जरूरी है जाके करना जरूरी है अरे बैठे बैठे मतलब as I have told you earlier, पहले कि आर थ्री स्टेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग परफॉर्मिंग एंड रिपोर्टिंग तो प्लानिंग स्टेज में तो अभी आप क्लाइंट के फील्ड वर्क पे गए नहीं हो तो गए बिना आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर पाओगे क्या नहीं ये तो जाएंगे परफॉर्मेंस जब मेरा चालू हो जाएगा तब होगा ना सबसे स्ट्रॉन्ग यही होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल पर ये जाने के बाद होता है तो जाने के पहले यानी कि प्लानिंग स्टेज में जब मैं क्लाइंट के यहां नहीं गया हूं बिफोर फील्ड वर्क बिफोर फील्ड वर्क उस वक्त मैं क्या क्या प्रोसीजर और करता हूं जिससे मुझे रोमम का एक अंदाजा हो पहला ऑबटेनिंग नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री जैसे जिस मेरा जो क्लाइंट है वो जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है उस इंडस्ट्री की उसके प्रोडक्शन प्रोसेस की उसके बिजनेस की मुझे थोड़ी आइडिया होनी चाहिए तभी तो मैं गेस कर पाऊंगा कि रोमम किन किन आइटम्स में ज़्यादा होगा जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं तुमको हिंदुस्तान यूनी लीवर एच यूएल ये कौन सा इंडस्ट्री है ट्रक बनाता है क्या लोग ना ये लोग एफ एम सी जी वाले हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब वो वाला सामान बनाते हैं जो बाजार में बनता है और जल्दी खत्म हो जाता है ठीक है जिसका शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होता देखो ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह के सामान होते हैं एक होता है एफ एम सी जी और दूसरा होता है ड्यूरेबल्स ड्यूरेबल्स मतलब वो सामान जो चलेगा कुछ टाइम तक मोबाइल फोन तुम हर हफ्ते चेंज करता है क्या नहीं एक मोबाइल फोन खरीदो दो साल एक साल डेढ़ साल का हॉराइजन है तो ऐसे सामान को बोलते है ड्यूरेबल्स और एफ एम सी जी मने हुआ वो सामान जो एक दिन में या एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा कंजम्पशन करके साबुन तेल मंजन आटा ऑल दीज कॉपी पेन ऑल दीज आर एफ एम सी जी तो हिंदुस्तान लीवर क्या बनाता है एफ एम सी जी एफ एम सी जी वाली कंपनियों के यहां तुम खुद सोचो स्टॉक जबरदस्त होगा इनका स्टॉक जबरदस्त होगा एफ एम सी जी मोस्ट आई विल टेल यू ऐसा भी बहुत सारा एफ एम सी जी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देता ही नहीं है ये लोग खाली मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं क्योंकि उनके नाम से सामान रहा है आज देखो लक्स साबुन जो है वो हिंदुस्तान लीवर वाला खुद बनाए या बस अपना नाम देके बेचे तुमको तो फर्क पड़ता नहीं है तुम तो जानते भी नहीं तुम तो बस लक्स का वो उठाते हो देखते हो लिखा है मार्केटेड बाय हिंदुस्तान लीवर काफी तुम्हारे लिए लक्स ब्रांड नेम से रहा है ब्रांड नेम से रहा है बना कौन रहा है उसको दैट इज इलेवेंट दैट इज इलेवेंट की कौन उसको बना रहा है समझ रहे बात तो ऐसी कंपनियां तो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करती है हिंदुस्तान लीवर जैसा कंपनी जो कि एफ एम सी जी फोकस ऑन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इट डजन फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसी कंपनी में किस चीज पे लोड ज्यादा होगा परचेज दुनिया भर का तो रॉ मटेरियल होगा इनका 150 200 प्रोडक्ट बनाते हैं अलग अलग टाइप का 150 200 प्रोडक्ट बनाते हैं अलग टाइप का तो रॉ मटेरियल तो जबरदस्त होगा स्टॉक बैलेंस हमेशा इनके डिस्ट्रीब्यूटर का इनका टेंशन किस लेवल का है तो ऐसी कंपनियों के बारे में जैसे ही तुमको आइडिया हुआ तुम समझ गया अच्छा यहाँ पे ये वाला एलिमेंट हैवी होगा यानी इस एलिमेंट पर मेरे को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा समझ में आ रहा है ऑन कॉन्ट्ररी आई विल टेल यू जो ड्यूरेबल्स बनाने वाली कंपनी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लैपटॉप ये लैपटॉप भी बनाता है ये आजकल और ये सॉफ्टवेयर बनाता है डेल लैपटॉप बनाता है एल वगैरह फ्रिज ए ये सब बनाते हैं यार फ्रिज ए आदमी तो हाथ से जोड़ जोड़ के नहीं बना रहा है ना उसके लिए पूरा उनका हैवी मशीनरी सेटअप होगा वैसी कंपनियों में जो मोबाइल फोन लैपटॉप फ्रिज टीवी बनाता है वहां मेरे को बताओ मटेरियल कॉस्ट ज्यादा होगा कि ओवरहेड कॉस्ट तो उधर तो फिक्स एसेस भारी होगा एकदम उधर तो फिक्स एसेस भारी होगा ओवरहेड के जितने खर्चे हैं वो भारी होंगे तो बैलेंस शीट पीएल में हमारा ध्यान उस आइटम्स पे जाएगा ना ठीक है समझ में आ रहा है बात मेरा ध्यान किधर जाएगा उन आइटम्स पे जाएगा तो मेरा ध्यान मटेरियल पे परचेज सेल स्टॉक पे रहना चाहिए कि मेरा ध्यान फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन उन पे रहना चाहिए डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री अनदर क्या एग्जाम्पल यू अनदर एग्जाम्पल दो तरह की कंपनीज होती हैं लीवर्ड अनलीवर्ड लीवर्ड अनलीवर्ड लीवर्ड मतलब वो कंपनी जिनमें डेट का रुपया ज्यादा है एक बात सोचो हम लोग के पास जो भी फंड आ रहा है दो ही स्रोत से हो सकते हैं उसके दो ही हो सकते हैं इक्विटी या डेट अगर लीवर्ड कंपनी है मतलब डेट का पैसा ज्यादा है लोन वोन ज्यादा ले रखा है और शेयर कैपिटल नेटवर्थ कमती है अगर अनलीवर्ड कंपनी है अनलीवर्ड तो उसमें डेट का रुपया कम होगा और नेटवर्थ ज्यादा होगा अच्छा अगर मैं किसी अनलीवर्ड कंपनी में जाऊं मतलब जहां डेट या लोन का अमाउंट निगलेशबल है तो उधर लोन वोन पे ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है क्या नहीं लेकिन अगर मैं किसी ऐसी कंपनी में जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा लीवर्ड है जिसमें डेट का रुपया बहुत ज्यादा है तो उधर मुझे लोन लोन के इंटरेस्ट पे भयानक ध्यान देना पड़ेगा अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा ठीक है ये हुआ मेरा दूसरा एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल मैं एक कंपनी के ऑडिट पर जा रहा हूं इस कंपनी ने साल के दौरान बोनस शेयर दिया है या बायबैक किया है शेयर का तो ऐसे केस में कैपिटल को ढंग से चेक करना पड़ेगा लेकिन अगर मैं किसी ऐसे कंपनी के ऑड पर जा रहा हूं जिसमें एक साल में शेयर कैपिटल हिला भी नहीं है डू आई नीड टू चेक शेयर कैपिटल नो तो ये सब जो बातें हैं जो इतनी सारी घटनाएं हैं मेरे को कैसे पता चल रहा है बाई ऑप्टेनिंग नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री या फिर ये भी हो सकता है ये तो इंडस्ट्री का नॉलेज है मतलब मैं मैं जिस कंपनी के ऑर्डर पर जा रहा हूँ वो कंपनी किस धंधे को बिलोंग करता है अब होता है कंपनी का नॉलेज कंपनी का नॉलेज कहां से मिल सकता है हो सकता है हम लोगों ने इस कंपनी में पहले कोई दूसरे टाइप का, का काम किया हो दूसरे टाइप का काम किया हो जैसे मैं बताता हूं हम लोग ने पहले उस कंपनी के लिए ना रिव्यू का, का काम किया था एक होता है जैसे ऑडिट होता है वैसे एक रिव्यू भी होता है ठीक है तो हम लोगों ने उस कंपनी के लिए पहले रिव्यू का, का काम किया था इस बार हम लोग ऑडिट पे जा रहे हैं तो पहले इस कंपनी में कुछ काम किए हुए तो मेरे को उस दूसरे काम का नॉलेज होगा ना अरे जैसे तुम सोचो अगर तुम मान लो किसी एक टीचर से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाए और वही टीचर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाता है तो दूसरा टीचर वो कैसा पढ़ाएगा सबसे पहले तुम जज उसी बात से तो करेगा कि पहला कैसे पढ़ाया था समझ रहा है एक उस तरह से तो अगर मैं इस कंपनी में जाकर एक टाइप का, का काम करके आ चुका हूं रिव्यू किया था टैक्स का कोई काम किया था वगैरह तो मेरे को कुछ तो बुद्धि है अब इस कंपनी में अगर ऑडिट के लिए जाऊंगा तो मेरे को इस कंपनी का पहले से तो नॉलेज है कि कैसा कंपनी नहीं है तो वो मेरे को हेल्प करेगा थर्ड नॉलेज फ्रॉम कैफ ऑब्लिक सीसीएफ ये क्या होता है एसे दो सौ बीस फुल फॉर्म क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क नाउ एसे दो सौ बीस में हम लोग पढ़ते हैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस फॉर्मेलिटीज क्लाइंट कंटिन्यूएशन फॉर्मेलिटीज तो उन फॉर्मेलिटीज के दौरान मैं क्लाइंट का पूरा हिस्ट्री स्टडी करता हूं क्लाइंट के जो डायरेक्टर्स है के एम पी है उनका हिस्ट्री स्टडी करता हूं तो उससे मेरे को थोड़ा नॉलेज हुआ उनके बारे में तो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प मी इन डिटरमाइनिंग रॉमम मैं एक बात बोलना चाहता हूं तुम देखो चार बुलेट में से तीन जगह तो नॉलेज लिखा है मैंने और इनफैक्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद भी क्या होगा आई विल गेट इंटरनल कंट्रोल्स का नॉलेज तो मैं एक साधारण सा बात बोल सकता हूं कि नॉलेज या इंफॉर्मेशन विल टेल मी हाउ मच रिस्क इज देर और नॉट देर वो एक कहावत है ना नॉलेज इज पावर तो जितना ज्यादा मुझे क्लाइंट के बारे में नॉलेज होगा उतनी आसानी से मैं बता पाऊंगा कि रॉम हाई है मॉडरेट है कि लो है समझ में आ रहा है तो नॉलेज से मेरे को पता चलेगा नॉलेज कहां से आता है इंफॉर्मेशन से एक्सपीरियंस से उससे पता चलेगा कि रोमम हाई है मीडियम है या लो है अब इधर देखते हैं हम लोग क्लाइंट के अंदर घुस गए और हम लोगों ने इंटरनल कंट्रोल भी चेक किया है फील्ड वर्क के दौरान तो इंटरनल कंट्रोल का मैं जवाब लिख रहा हूं यहां पर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है कि मीडियम है वो लिख रहा हूं मैं स्ट्रॉन्ग कंट्रोल स्ट्रोंग स्ट्रॉन्ग नो Weak, weak, strong. अच्छा परचेस सेल्स और स्टॉक में ना कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि स्ट्रॉन्ग वीक मीडियम बेवकूफी हो जाएगा भाई तुम अकाउंट्स के हिसाब से देख रहे कि तीन अलग अलग आइटम है लेकिन धंधा के हिसाब से बात कर परचेज सेल्स स्टॉक तीनों जुड़ा हुआ है ना तुम अपने हिसाब से अकाउंट्स के हिसाब से तुम बोलेगा जैसे मान लो मैंने तीनों में स्ट्रॉन्ग लिखा या तो तीनों में स्ट्रॉन्ग लिखो या तीनों में वीक लिखो डोंट डू अ बेवकूफी यहां स्ट्रॉन्ग या वीक या मीडियम कैसे हो सकता है अकाउंट्स में तुम तीन आइटम बोल सकता है मान लिया पर धंधे में तो परचेस सेल्स स्टॉक तीनों कनेक्टेड है कि नहीं है बिजनेस के अंदर तो तीनों परचेज सेल्स स्टॉक ये तीनों आइटम आपस में कनेक्टेड है दे आर अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन तो इनमें पूरा पूरी कंट्रोल या तो वीक होगा या पूरा पूरी स्ट्रांग होगा तो मैंने स्ट्रांग लिखा वैसे तुम इधर देखो कैपिटल तो एक सोलो आइटम था अज्यूमिंग इस साल कोई नहीं हुआ कोई बोनस शेयर कुछ नहीं हुआ तो कैपिटल पे कंट्रोल्स की जरूरत भी नहीं और है भी नहीं कंट्रोल नो कंट्रोल ठीक है लोन और इंटरेस्ट ये एक साथ, चलेगा नहीं? लोन और एक साथ चलेगा तो दोनों पे या, तो वीक बोलो दोनों पे बोलो, मैंने दोनों पे वीक बोला है। फिक्स पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल यू ओनली यहां रोमम में क्या लिखूं लो मॉडरेट या हाई ना अब सुनो इन तीनों में ना अगर ये कंपनी एफ कंपनी बहुत ज्यादा गुड्स आता जाता है तो भले ही कंट्रोल स्ट्रांग है बट मैं फिर भी रोमम एकदम लो नहीं मान सकता मैं मानूंगा मॉडरेट कैपिटल के सामने मैंने क्या लिखा कंट्रोल्स नॉट एप्लीकेबल अरे अगर इस साल कंपनी ने ना कोई बोनस शेयर नहीं किया नहीं किया राइट इशू नहीं कुछ नहीं किया तो कंट्रोल किस बात का लगाएगा कुछ करोगे तब तो कंट्रोल होगा कुछ करोगे नहीं तो कंट्रोल कैसा तुम समझ रहे अगर शेयर इशू करता या बाईब करता तब तो कंट्रोल होता ना अगर कुछ होगा ही नहीं तो फिर किस बात का कंट्रोल है तो इस साल कंपनी में कैपिटल को लेकर कोई मूवमेंट नहीं हुआ है ठीक है तो ये कंट्रोल्स वाली बात अर आईसी नहीं करेगी तो हम लोगों ने क्या लिखा है एन ए नॉट एप्लीकेबल अगर कुछ हुआ ही नहीं तो मेरे को रोमम क्या लगेगा जीरो लो भी नहीं सीधा बोलो जीरो मतलब कैपिटल चेक करने का भी मेरे को जरूरत नहीं है अच्छा लोन और इंटरेस्ट इस कंपनी ने भयानक डेट ले रखा है मैं बोल रहा हूं लीवर्ड है लीवर्ड ये कंपनी क्या है लीवर्ड है मतलब जोरदार डेट ले रखा है तो लोन वोन चेक करेंगे नहीं और लोन और को और इंटरेस्ट को लेकर इनका कंट्रोल कैसा है वीक तो मेरा रोमम हाई फिक्स एसट्स को लेकर इनका कंट्रोल बहुत ही अच्छा है इस साल ये लोग बहुत सारा फिक्स एसट्स पर्चेज के अब देखो कितना इट्स नॉट मैथ्स ठीक है कि स्ट्रांग लिखा तो पट से बोल दो ये चीज यू हैव टू सी अदर सर्कमस्टांसेज आल्सो जैसे क्या हुआ फिक्स एसेट तो ऑलरेडी कंपनी में होती है जिसपे लोग हर साल डेप्रिसिएशन देते रहते हैं लेकिन इस साल इन्होंने 50 करोड़ का फिक्स एसेट्स और ख़रीदा है ठीक है तो खरीदते वक्त इन्होंने पूरा एहतियात बरता है इंटरनल कंट्रोल्स पर स्ट्रांग मतलब ख़रीदते वक्त वेंडर लोग से अच्छी तरह से कोटेशन मंगाया है चेकिंग किया कोई घूस वगैरह कुछ नहीं हुआ है एकदम प्रॉपर सही तरीके से लिया है तो बावजूद उसके कंट्रोल्स बहुत स्ट्रांग है पर इस साल कंपनी ने बिजनेस एक्सपेंशन किया एंड फिक्स डास्ट्स ख़रीदा है तो चेक तो मुझे करना चाहिए ना ट they, they तो खरीदेगा तो भले ही कंट्रोल बहुत स्ट्रॉग था वाई परचेसिंग द फिक्स एसेट पर मैं थोड़ा तो चेक करूंगा कि नहीं करूंगा मैं चेक करना चाहूंगा तो मैं यहां पर लो नहीं लिखूंगा आई विल राइट इट वॉज नॉट स्ट्रेट अवे मैथ्स की स्ट्रॉन्ग है तो लो स्ट्रांग है तो मॉडरेट या वीक है तो हाई इज नॉट मैथ्स इट हेल्प्स मी इन मेकिंग अ जजमेंट यहां ऑडिटर अपना जजमेंट बहुत ज्यादा लगाता है और सोचता है कि यार कहां मॉडरेट है कहां हाई है कहां लो तो है अब ये डायग्राम का एक हिस्सा है ये डायग्राम का एक हिस्सा है दिस इज अ डायग्राम ऑफ तीन सौ पंद्रह मैं चाहू हम लोग चाहें तो हम लोग चाहें तो इस डायग्राम को और खींच सकते हैं तीन कॉलम है चाहू तो इसी डायग्राम में ना 330 भी डाल सकता हूं रैप के बगल में कॉलम रोमम के बगल में कॉलम डाल देंगे सैप सैप मतलब अब मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा अब मैं इस पर कितनी मेहनत करने वाला हूं तो जहां रोमम मॉडरेट है वहां मेरा मेहनत मॉडरेट जहां रोमम जीरो है नो मेहनत मुझे सैप करने का जरूरत नहीं जहां रोमम हाई है आई विल डू मोर सैप और जहां मॉडरेट है आई विल डू मीडियम या लेस